योग आज व्यक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि योग के बिना व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। आज हम देख रहे हैं समाज के अंदर के पूरे देश में कितनी बीमारियां फैल रही हैं, जिनका किसी भी पैसे में कोई इलाज नहीं। और मैं अपने देश की बात करूँ, यहाँ की 80% जनता गांव में रहती है, उनका इतना सामर्थ्य नहीं है कि वे इतना महंगा इलाज करा के स्वस्थ हो सके। तो यीशु ने हमें योग का संदेश दिया है, इसके द्वारा हम अच्छे प्रकार से अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। आज मैं देख रहा हूँ एक छोटी सी बीमारी थायरॉयड, लगभग हर परिवार के अंदर इसको देखा जा सकता है, और इसका कोई इलाज नहीं। व्यक्ति को पूरे जीवन दवाई खानी पड़ती है और उसके दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट अलग से आते हैं। लेकिन योग के अंदर जैसे सर्वांगासन, हलासन या कपोत उज्जय प्राणायाम, ये छोटी छोटी क्रियाएँ, छोटे छोटे आसन ऐसे हैं जो व्यक्ति को एकदम स्वस्थ कर देते हैं, और थायरॉयड की हमें दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं योग के क्षेत्र में लगभग 40 साल से कार्य कर रहा हूँ। अनेक लोगों को मैंने योग सिखाया भी है और लोगों को भी सिखाया है, जो आज बड़े बड़े रूप में लोग कार्य कर रहे हैं। तो मैंने तो यही देखा है कि योग व्यक्ति जब तक नहीं करेगा तो स्वस्थ नहीं रह सकता। आज एक बीमारी है बैक पेन, लगभग व्यक्ति उससे पीड़ित है, पर मैं समझता हूँ मीडिया कर्मी उससे अछूते नहीं, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं। और योग में यदि हम उसका थोड़ा भी सहारा लें आसनों के द्वारा, तो हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं और हमें अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता है। आज व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत अधिक बीमार है, टेंशन है, तनाव है, पूरी दुनिया के अंदर सबसे अधिक अगर कोई रोगी है तो आज डिप्रेशन के, और इसका कोई इलाज नहीं। डिप्रेशन जैसी खतरनाक बीमारी को भी हम योग के द्वारा ठीक कर सकते हैं, मेडिटेशन ध्यान के द्वारा इसको दूर किया जा सकता है। तो पूरी दुनिया आज रोगों से आतंक डूबी हुई है, जिसका निदान केवल योग के अंदर है। हम उपचार कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ बनाते हुए जीवन का एक अच्छा आनंद ले सकते हैं। तो योग से अभी जो लोग अभी नहीं समझते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? वैसे तो देश का हर व्यक्ति योग से रुचि ले रहा है, योग करना चाहता है और कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ भाई ऐसे हैं जो योग के प्रति अभी रुचि नहीं रखते। उनसे मैं कहना चाहूँ कि आप योग को अवश्य करें, नहीं तो आने वाले समय में ऐसे भयावह रोग आएंगे जिनसे आप अछूते नहीं रह सकते और कभी भी कोई रोग हमें ग्रस्त हो सकते हैं। हृदय रोग जैसा कि बहुत बड़ी समस्या है, हृदय रोग से वो कौन सा आसन है जिसको करने से आदमी? हाँ, देखिए, हार्ट की बीमारी आज बढ़ती जा रही है, लगभग देश के अंदर 10 करोड़ व्यक्ति इससे पीड़ित हैं। लेकिन प्राणायाम के द्वारा हम अपने हृदय को स्वस्थ बना सकते हैं, और यदि कोई किसी प्रकार की बीमारी हमें है तो हम उससे निजात पा सकते हैं। तो प्राणायाम इसके लिए एक सशक्त माध्यम है, हार्ट को स्वस्थ बनाने के लिए, और यदि रोग है तो उससे आरोग्य पाने के लिए। जिसमें खान पान में जैसे जो योग कर रहे हैं किन किन चीज़ों से किन किन चीज़ों से? अच्छे स्वास्थ्य के लिए या योग करते हुए हमें क्या आहार लेना है, उसके लिए सात्विक आहार का हमें पान करना है। यदि हमारा आहार सात्विक नहीं होगा, ऐसे में व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। मैं कहना चाहूँगा अपने देशवासियों से कि आप सात्विक आहार लें और खान पान में तली भुनी चीज़ों का प्रयोग ना करें। सात्विक आहार हो, हरी सब्जी का सेवन करते हुए यदि हम जीवन व्यतीत करेंगे तो निश्चित इन बीमारियों से बच सकते हैं। स्वामी जी का योग का जो कार्यक्रम है, इस शहर में पहले भी 3 बार हो चुका है और ये 4th बार लगाया जा रहा है, और अब के जो शिविर लगाया जा रहा है, इसकी जो योजना थी वो 1 साल पहले स्वामी जी से अनुमति लेकर तैयार की गई थी, और अब के जो कोई पहले छोटी मोटी सी त्रुटि रह गई थी व्यवस्था में, वो सभी दूर करके ये योग लगाया जा रहा है शहर में। और शहर के लोगों में बहुत रुचि है, बहुत दूर दूर से लोग स्वामी जी से जो है उपचार लेने आ रहे हैं। यहाँ पे जहाँ पे स्वामी जी ठहरे हुए हैं, यहाँ पे भी जो बहुत दूर दूर से लोग ग्वालियर से, राजस्थान से, ग्वालियर से लोग आ रहे हैं। जो शहर में होर्डिंग बोर्ड लगे हैं जिन पर नंबर हमारे लिखे हुए हैं, बहुत दूर दूर से 500-500 किलोमीटर से लोगों को फोन आ रहे हैं। इस बार लोग काफ़ी रुचि ले रहे हैं, और मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ स्वामी जी से परामर्श लेकर लोग यहाँ से ठीक भी होकर
जा रहे हैं। अभी के लिए तो नोएडा में है, उसमें पिछले साल से इस साल में कुछ बदलाव आया कि जैसे कि लोग इस साल में बढ़े हुए हैं? इस साल बहुत लोग योग में शिविर में जो है ज़्यादा मात्रा में बढ़े हैं। जैसे जैसे शहर का विस्तार बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे लोग भी जो योग में रुचि ले रहे हैं।